प्रकार से भाजपा ने ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था, वसूली का एक साधन है ना, एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बना दिया था, तो आज भाजपा ने ये बात मान ली ईडी के माध्यम से कि संजय सिंह जी हो, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था हमारे पास, और इसी कारण से, और चूंकि देखो मूलतः ये हुआ है कि भाजपा को लग गया कि जनाधार खिसक रहा है, जो लोग आक्रोश में हैं, लोग आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, जो अभी रैली हमारी हुई है, रैली के बाद भारत में एक नया माहौल पैदा हो गया, उसके कारण भाजपा जो जमीन खिसक रही उनकी, उसके कारण ईडी को बोला कि भैया अब इनको रिलीज करा लो, नहीं तो हम तो यहाँ के कहीं के नहीं रहेंगे। तो आज लोकतंत्र की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। मैं अपने नेताओं के जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, जो जेल में रहे हैं, जजबे को सलाम करता हूं, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच जीता, भाजपा हारी। सर, पॉलिटिकल इलेक्शन बिल्कुल जो है करीब है, और जो है आप इस समय रिलीज हुआ है, इस समय रिलीज हुए हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए नेचुरल सी बात है, चूंकि मैंने बताया ना, भाजपा को एक ही चीज डर लगता है, चुनाव हारने से। अरेस्ट के बाद, केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद पूरा भारत गुस्से में है, पूरा भारत गुस्से में है। उन्होंने कुछ सर्वे वगैरह कराया होगा, जिस प्रकार से संख्या आई हमारी 31 मार्च की रैली में, वो पहले से कई गुना ज्यादा संख्या आई थी। तो जनता का आक्रोश भाजपा को दिखा। मोदी जी को एक ही चीज से डर लगता है कि चुनाव में हार रहा हूं, अब चुनाव अब भी हारेंगे वो, पहले भी हार रहे थे, अब भी हारेंगे वो, और ये सुनिश्चित है कि 2024 मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद वो कभी भी इस भारत के अंदर किसी पोजीशन पे नहीं आएंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए